रात के बज रहे 12 और माई की तबीयत हो गई है ख़राब। जल्दी से पी लो सुना। नींबू पानी बना के दिया है, नींबू पानी और चीनी। धीरे धीरे करके पी लीजिए बेटा। इसलिए बोलती हूँ ना आइसक्रीम नहीं खाने को स्कूल से आने के बाद। और ये कल शाम से ही थोड़ा सुस्त लग रहा था। माही मुझे बोल रहा है कि सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे लगा कि गर्मी की वजह से हो गया होगा। और वो तो फिर इसका रात में शुरू हुआ उल्टी और दस्त दोनों एक साथ, और इतनी बार हुआ कि एकदम से परेशान हो गया। और रात में हम दोनों की भी नींद ख़राब हुई। ऑब्वियस सी बात है, अगर घर में किसी एक की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर तो सबको जगना ही पड़ता है। और माही की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा उल्टी दस्त, मतलब कुछ भी पेट में बचा नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस वजह से भी पेट में दर्द होगा, मरोड़ होगी, तो पूछा कि खीरा खाओगे क्या, तो बोला ठीक है। तो मैंने सोचा कि दे देते हैं, अगर एक दो पीस भी खा लेगा तो थोड़ा राहत रहेगा पेट में कि कुछ तो रहेगा। तो रात को मैंने काट वाट के खीरा दिया, बोला कि जितना खा पाओ उतना खा लो, तो एक से दो पीस खाया इसने। और इतनी रात को माही बोल रहा था कि नानी को फ़ोन लगा दीजिए मम्मा, क्योंकि कुछ भी होता है छोटी से छोटी बात, माही को थोड़ी सी खरोंच भी आ जाती है, तो नानी को फ़ोन करके ज़रूर बताते हैं। आप कितने बजे उठे हैं जुनू? कितने बजे? 6 बजे? वॉक पे नहीं गए होंगे फिर तो। ऑफिस में जाके एक नींद मार लीजिएगा, यही ऑप्शन है आपके पास। बाय। नहीं सो पाया माही, भी नहीं सो पाए और माही के साथ साथ हम दोनों भी नहीं सो पाए। और ये तो जल्दी उठ गए सुबह 6 बजे और मैं 1 घंटा लेट उठी हूँ, 7:15 उठी हूँ। और सब्ज़ी मैंने काट के रख दी थी रात रात में ही सुबह के लिए। सुबह में सब्ज़ी काटना थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है, तो कभी कभार काट के रख लेती हूँ, कि जैसे बारीक सब्ज़ियाँ जो होती हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस सब्ज़ी को काट के रख लिया था। और ये सुबह उठ के सब्ज़ी बना लिए थे और अपना टिफ़िन भी मतलब रोटी भी बना लिए थे। रोटी बहुत अच्छी नहीं बनी थी, मोटी मोटी रोटी बनी हुई थी। वैसे मैं तो उठ गई थी लेकिन ये बना लिए थे। मैंने बोला कि रहने देते, मैं तो उठ ही जाती, रोटी बना देती। और माही भी अभी सो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाए, और कल उनको जाना है मूवी के लिए, स्कूल के तरफ से लेके जाएंगे मूवी दिखाने। तो अगर कल तक ठीक हो जाएंगे तो ठीक है, फिर जा सकते हैं, नहीं तो फिर पैसे भी दे दिए हमने मूवी के लिए। और आज माही को बर्थडे पार्टी में भी जाना था शाम को, अगर तबीयत सही रहेगी लगेगी तो भेजूंगी, वरना कैंसिल ही है। और रात भर जगने की वजह से अगली सुबह इनको ऑफिस भी जाना था, तो ये उठ गए थे जल्दी और मेरी और माही की तो नींद ही नहीं खुली। मतलब ये उठ के रेडी वेडी हो चुके हैं, अपना टिफ़िन उफिन सब कुछ पैक कर लिया है, तब जाके हमारी नींद खुली और निकल गई है ऑफिस के लिए। और माही भी थोड़ी देर बाद उठ गए हैं और इनको बिल्कुल चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, बोल रहे हैं कि मम्मा बिल्कुल नहीं चला जा रहा है मुझे। बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है तो फिर बच्चों की क्या ही बात करें, बच्चों की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा सहन करते हैं। तो फिर मैं माही को उठा के ले गया आई बाथरूम में, ब्रश ब्रश कराया और इसी लगे हाथ सोचा नहला दूँगी तो इसको अच्छा फील होगा। तो मैंने इसको नहला वहला दिया, लोशन वोशन लगा के, क्रीम व्रीम लगा के इसको अच्छे से मतलब तैयार कर दिया कि इसको थोड़ा अच्छा फील होगा। और बोला कि लेट जाओ और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पहले तो पानी दे दिया था सुबह, मतलब उठने के बाद पानी दे दिया था पीने के लिए। और इसको लेटा मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था, बार बार लेट जा रहा था। बोला कमर दर्द हो रहा है, तो वीकनेस लग रही है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने तो ORS वो पीता नहीं वैसे, वो पैकेट वाला जो आता है
तो मैंने घर पे ही चीनी और नमक का घोल बनाया और बॉटल में भर के रख दिया, कि बोला कि इसको पूरे दिन में, दिन भर में पी के ख़त्म कर लेना, जिससे कि सही रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा और शरीर से सारा पानी निकल चुका है माही के, तो बहुत वीकनेस तो फील होगी ही। और इधर मैंने मूंग दाल को भिगो दिया था कि मूंग दाल का खिचड़ी बना दूंगी, और एक दो टाइम तो यही सिंपल खाना ही सही रहेगा, मतलब खिचड़ी हल्का फुल्का पेट के लिए सही रहेगा। तो दाल को मैंने भिगो दिया था जब उठी थी मैं तभी, और अब मैं चढ़ा रही हूँ खिचड़ी, कि खिचड़ी चढ़ा के फिर मुझे घर के काम भी निपटाने हैं, क्योंकि सारा कुछ ऐसे ही पड़ा था। और हमारा तो फिर भी ठीक रहता है यार, अगर हस्बैंड लोग रात में जागे और फिर सुबह ऑफिस के लिए भी निकलना हो तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो अपना काम वाम निपटा के दिन में हमें टाइम तो मिल ही जाता है रेस्ट करने का, बट उन लोग का बुरा हाल होता है, जैसा कि आज इनका हुआ है कि रात भर जगे भी रहे और सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बेडरूम में, बाकी इधर हॉल और दूसरी रूम बालकनी ये सब मैंने पहले ही कर लिया था, क्योंकि माही अभी सोए हुए थे बेड पे तो इस रूम का काम बाकी था। तो माही के उठने के बाद वो जो भी काम बाकी था मैं उसको करने में लग गई, और फिर काम के बीच से ही माही मुझे बुलाने लगी कि मम्मा मेरा पैर दर्द हो रहा है, पैर दबा दीजिए, पैर दबा दीजिए। तो मैं यहाँ पे आके माही का पैर दबाने में लग गई थी, बच्चा यार थक गया था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी उसको और पैर वैर में भी दर्द हो रहा था, तो मैं दबा रही थी। और इधर एक तरफ खिचड़ी भी चढ़ा दिया था मैंने, खिचड़ी बन चुकी है, उसमें तड़का लगाना बाकी था, क्योंकि सिंपल खिचड़ी मतलब माही को थोड़ा सा ऐसे सिंपल खाना उतना, तो मैंने सोचा कि हल्का लहसुन से तड़का लगा देंगे, लहसुन जीरा से, तो थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। तो वही मैंने लहसुन वहसुन डाल के तड़का लगा दिया था और टेस्ट क्या सही लग रहा था खिचड़ी। तो फिर और लेके गई माही अपने, एक तो अच्छे रहते हैं तो खा नहीं पाते हैं, तो फिर तो अभी तो बीमार हैं, तो फिर उनका वही सेम है। तो मैंने सोचा कि पहले इनको खिला लूँ, फिर उसके बाद जो काम बाकी है उसको करूँगी। तो यहाँ पे लग गई मैं इनको खिलाने में, और खिलाने विलाने के बाद बाथरूम में मुझे धुलना था, क्योंकि माही ने रात भर उल्टी की थी और क्लीन करना अगले दिन बहुत ही ज़रूरी था वैसे। फिर बाथरूम वाथरूम क्लीन किया मैंने और नहा वहाँ के, फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि माही बोल रहे हैं मम्मा मुझे मखाना खाना है। तो यहाँ पे मैं रोस्ट करने लगी मखाना, और अपने लिए मैंने लिया दही और चूरा और उसके साथ चीनी, और मखाना भी भुन चुका है माही को दिया मैंने। तो मेरा भी नाश्ता वास्ता हो चुका है और सारा काम भी हो चुका है। इतना ही तो दिया था यार, सब नीचे नीचे जला हुआ है। जला नहीं हुआ है माही, इसको खाने में अच्छा लग, खा के तो देखो ये जला हुआ है, बोल रहे जला नहीं है बेटा, इससे अच्छा लगता है। जला हुआ और जितना मैंने दिया था उतना ही खाया, कितना है? खाया 2 पीस। 2 पीस, वाह। ना मतलब मैं बोल रहा हूँ 2 पीस से क्या होगा बेटा, खाओ 2 या 20 सही रहता है तो खाता नहीं है, तो अभी तो तबीयत खराब है तो उसमें तो और नहीं खाएंगे। ये रोस्ट करके दिया था मैंने, पूरा का पूरा बचा हुआ ही है। चलिए अब रेस्ट करिए माही, चलिए बेड पे चलिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।